किराना की दुकान कहाँ खोलनी है, कैसे खोलनी, कहाँ खोले, कहाँ पे नहीं खोले और किस तरीके से खोलनी है, इस तरह के मैसेज बहुत सारे आए हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज है 1 जनवरी 2022, तो यानी कि नया साल, और नए साल की सभी मेरे व्यूअर सभी सब्सक्राइबर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों जैसा आपके कमेंट्स मेरे पास आए कि भाई कि सबसे पहले मैं ले लेता हूँ किराना स्टोर कहाँ खोले, एक आज ये मेन दो टॉपिक हैं, कहाँ खोले और कैसे खोले। पहला ले लेता हूँ मैं कि किराना स्टोर कहाँ खोले, सेकंड लेऊँगा मैं कैसे खोले। तो पहले कहाँ खोले, लोकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए अगर शहर में आपको सोच रहे कि भाई सिटी में कस्बे में आपको दुकान करनी है तो आपको करना कहाँ है, सबसे पहली बात तो कि भैया जहाँ पे आबादी हो वहाँ दुकान करनी है आपको, जहाँ पे मकान बने हुए हों, आबादी हो। ये नहीं कि भैया एक मकान यहाँ है फिर थोड़ा सा बहुत 400-500 मीटर आगे जाके एक मकान है वहाँ पे दुकान नहीं चलेगी। सबसे मेन बात है जहाँ पे आबादी होगी आपकी दुकान भी वहीं पे चलेगी, तो आबादी वाले एरिए में ही आपको दुकान करनी है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा है कि भाई दुकान एक चीज़ मेरे ख्याल से आज तक आप लोगों को किसी ने बताया भी नहीं होगा, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ सेकंड पॉइंट, कभी भी दुकान बाज़ार के नज़दीक मत खोलना। बाज़ार ये सोच लो कि आपकी दुकान से बाज़ार है 500 मीटर, तो कस्टमर क्यों आएगा आपकी दुकान पे, ये बताइए। कस्टमर ये क्यों नहीं सोचेगा कि भैया 500 मीटर पे मैं बाज़ार है, मैं यहाँ से क्यों लूँ, मैं बाज़ार से ही नहीं लूँगा। तो बाज़ार के नज़दीक दुकान नहीं खोलनी है। सबसे बड़ा ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मैंने बहुत दुकान वाले ऐसे देखे जो फेल हो चुके हैं, जिनकी बाज़ार के नज़दीक दुकान है उनकी दुकान चलती नहीं है, खासकर किराना की तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है किराना में, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है बाज़ार में, 50-50 पैसे एक एक रुपये के ऊपर खेलते हैं लोग। तो बाज़ार से ही लेगी पब्लिक कोई भी है, आप मेरे में से अगर हम दुकान नहीं कर रहे तो हम भी यही सोचेंगे यार इसकी यहाँ दुकान है, इससे अच्छा हम बाज़ार से लेंगे क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलेगा। तो ऐसे मतलब हाईवे पे जो बाज़ार के नज़दीक हो या 500 मीटर 700 मीटर वहाँ पे मत करना आप, क्योंकि वहाँ पे दुकान नहीं चलेगी। अगर बाज़ार से थोड़ा डिस्टेंस में है तो आप बेशक कर सकते हैं, किसी कॉलोनी में है तो आप कर लेना, मेन रोड पर अगर बाज़ार नज़दीक पड़ता तो मत करना। अच्छा तीन नंबर की बात मैं कर देता हूँ, फिलहाल में दो नंबर हो चुके हैं। दुकान आपको कर अगर मेरे हिसाब से मानो 90% दुकानें गली के नुक्कड़ वाली 90% ज़्यादा चलती है, हो सके तो गली के नुक्कड़ पे आपको दुकान अगर मिले तो आप वो ले लेना। नुक्कड़ मीन्स मतलब जिस दुकान को दो गलियां लगती हों, चौराहा हो मेन, वहाँ पे लेना। मेरी भी मेन चौराहे पे दुकान है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुँह लकीली हूँ कि भाई पता नहीं मुझे मैं लकीली हूँ या नहीं, लेकिन मेरी दुकान बढ़िया चली है, तो मैं रीज़न यही मानूंगा कि भाई मेन चौराहे पर मेरी दुकान है इसीलिए मेरी दुकान चली है। चौथा मैं आप लोगों को बता दूं, आपको दुकान करनी कहीं भी करो, जो मैंने बताया यहाँ पे करो, लेकिन उसमें एक बात और है, वहाँ अगर पहले से दुकान है घबराने की बात नहीं है, अगर पहले से दुकान है तो भी दुकान कर सकते हो, लेकिन उसमें एक पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं, उसकी दुकान जो पहले से है आपकी दुकान से बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अगर उसकी दुकान एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर उसकी दुकान आपकी दुकान से बड़ी होगी ना तो फिर काम नहीं बनेगा आपका, उसकी दुकान आपकी दुकान से छोटी होनी चाहिए, आपकी दुकान उस दुकान से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी दुकान में माल ज़्यादा आएगा। कस्टमर भी यही सोचता है कि उसकी छोटी सी दुकान है, और वो कस्टमर सोचता है इसके पास क्या होगा, इसकी तो छोटी सी दुकान है, और चाहे बड़ी दुकान के पास उस वो पूरा माल ना हो, लेकिन कस्टमर ये सोचता है कि भैया बड़ी दुकान है शायद पूरा माल होगा, वो सामान मुझे वहाँ मिल जाएगा। छोटी दुकान वाला चाहे उसके पास हो भी, लेकिन कस्टमर ये सोचेगा उसकी दुकान छोटी है उसके पास शायद ना हो। तो मेन तो मेरा यही है कि भैया जहाँ पर आपकी बड़ी दुकान है अगर किसी भी चौराहे पर और आप उससे छोटी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से मत करना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी छोटी है आपकी बड़ी है तो उसकी दुकान में 100% शोर वो फेल हो जाएगी, उसकी दुकान को आप फेल कर दोगे अगर आप लोगों की दुकान बड़ी हो गई तो। अच्छा ये तो ही भाई शहर में दुकान कैसे खोलनी है,
ठीक है, मतलब कहाँ खोलनी है शहर में दुकान। अब दो पॉइंट है मेरे गांव के लिए भी, भैया गांव में दुकान कहाँ खोलनी है। गांव में सबसे पहले बता दूं मैं, जहाँ पे गांव के लोगों का मेन आवागमन होता, चौराहे होते हैं मेन, भाई गांव के लोग मोस्टली 90% एक चौराहा होता, कि 90% लोग यहीं से जाते हैं। अगर सिटी में जाना, कहीं बाहर जाना, गांव से बाहर जाना है तो यहाँ जाना, इस रास्ते से जाना है, वहाँ के मेन चौराहे पे आप दुकान करना। गांव में, गांव की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ अगर गांव के अंदर कहीं भी दुकान कर लोगे, वहाँ तो आप लोगों को पता है गांव में तो वैसे ही काम चलेगी। अगर मेन चौराहे पे हो तो गांव की ऐसी दुकानें मैंने देखी हैं जो शहर की दुकानों को फेल किए हुए हैं। मेरे यहाँ है एक दुकान वाला, डेली का 25-30 हज़ार का माल जाता है उसका, गाड़ी में भर भर के। तो ऐसी दुकानें भी हैं जो शहर की दुकानों को फेल कर देती हैं, एक बात। अब दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं, गांव में दुकान रोड पे नहीं चलेगी, ये बात समझे आप। शहर में तो रोड पे सभी करना चाहेंगे कि मेरी रोड पे हो, लेकिन गांव में मेन रोड पे जो मेन हाईवे होता है वहाँ पे आपकी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे आबादी कम होती है, पूरा गांव गांव के अंदर बीच में होता है और मेन रोड पे आबादी नहीं होगी। गांव के बीच से आदमी बंदा जाके मेन रोड पे नहीं जाएगा, वो वहीं से गांव के एरिया से ही ले लेगा, ना कि वो मेन रोड पे जाएगा। वो मेन रोड पे जाएगा, बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि मेन रोड है यहाँ कर लो, वो शहर की बात है। गांव में अगर मेन रोड पे करोगे तो दुकान नहीं चलेगी, किसी भी चीज़ की कर लेना, मैं ये नहीं कहता खाली किराने की, किसी भी चीज़ की कर लेना, मेन रोड पे आपको भी पता है कभी दुकान नहीं चलेगी। अगर वहाँ आबादी है मेन रोड पे, गांव की पूरी आबादी है तो ही चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। और किसी भी गांव में मेन रोड पे आबादी नहीं होती, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो मेन रोड पे, गांव का जो मेन रोड है वहाँ पे दुकान मत करना, गांव के बीच में दुकान करना, आपकी दुकान 100% चलेगी। ये दो टॉपिक जो मैंने बताए हैं, पहला टॉपिक बताया मैंने कि दुकान की लोकेशन, गांव हो या शहर हो, आपको दुकान की लोकेशन का पता करना है कि दुकान की लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया पहला। अब दूसरा ये बात करने वाला हूँ कि खोलनी कैसे है। पहले टॉपिक में तो मैंने बताया कि दुकान करनी कहाँ है, लोकेशन दिखाई आप लोगों को, अब दिखा रहा हूँ मैं कि भाई दुकान खोलनी कैसे है। दुकान तो ले ली लेकिन उसको खोले कैसे है? मैं अपनी खुद की बताऊँ, मैंने जब दुकान, मैं कोई नॉलेज नहीं थी ना, मैं यूट्यूब देखा कुछ नहीं देखा, मुझे बस यही सोचा कि भाई मुझे दुकान करनी है। मैं ये सोचता रहता यार मैं दुकान करूँ कहाँ से लूँ, मैं सामान फलाने से लूँ, डिगड़े से लूँ, सामान लाऊँ कहाँ से, मैं क्या क्या सामान लाऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुक यहाँ से लूँ, हल्दी वहाँ से लूँ, नमक वहाँ से लूँ, ये सारा सामान मिलेगा मुझे कहाँ से। मैं जानता हूँ 90% लोग मेरी तरह कन्फ्यूज़ है अभी भी ये वीडियो देख के, हाँ भैया सच बोल रहा है। अगर मैं सच नहीं कह रहा हूँ तो कमेंट में करके बताना कि भैया झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भैया मुझे पता है। मैं दुकानों पे जा जा के देखता था कि भैया इसके पास ये ही आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं एक दुकान पे चला गया होलसेलर के पास, मैंने कहा भैया मुझे नई दुकान करनी है, और मैंने जैसे मेरी वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे 20,000 रुपये से स्टार्ट की थी, मैंने उसको बोला मेरे को 20,000 रुपये का सामान दे दिया, नई दुकान करनी है। उसने मुझे साफ साफ ये बोल दिया कि अगर आपके पास लिस्ट है तो मैं सामान देता हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास कोई सामान नहीं। उसने मुझे साफ साफ ये बोला, मुझे आज भी याद है उस बंदे की बात को। तो मतलब लिस्ट तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मुझे लेना क्या है। आप भी मेरी तरह नए होंगे, आपको भी नहीं पता आपको लेना क्या है, क्या रखें दुकान में, किराना की दुकान में। सबसे मेन चीज़ तो ये ना, कैसे खोले, क्या लाएं, समझ गए। इसीलिए मेरी 2-3 वीडियो मैंने इस सामान के लिस्ट की डाल रखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिए, उनमें आपको बहुत मिल जाएंगी। मैंने A to Z के नाम से भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें पूरी लिस्ट दी है कि दुकान में आप स्टार्टिंग में क्या क्या रख सकते हैं दुकान खोलने के लिए, तो आपके लिए तो ईजी काम हो जाएगा। मैंने तो कभी यूट्यूब देखा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि भैया हाँ, जिस तरह से मैं परेशान हुआ और भाई ना परेशान हुआ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है ना, मतलब मैं कोई ये चाहता हूँ कि भाई मुझे वीडियो से कोई अर्निंग हो या ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई दुकान पे इतना काम होता कि आज मैंने अपने घर पे आके शाम को रात को वीडियो बना रहा हूँ, नया साल है इसीलिए। मुझे यूट्यूब की वगैरह से कोई अर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि भैया मेरी तरह आप भी परेशान ना हों। चलिए ये तो मेरा परिचय हुआ कि भाई मैंने कैसे कैसे परेशानियों के साथ अपनी दुकान की थी। फिलहाल इन बातों में ना जाके मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि भैया दुकान कैसे करें। लोकेशन मैंने आपको बता दी, अब दुकान बताता हूँ मैं आपको करनी कैसे है।
भैया सबसे पहले तो आपको दुकान की नॉलेज होनी चाहिए। बगैर नॉलेज मैंने की थी, मुझे पता है मुझे क्या क्या दिक्कत हुई थी। बिना नॉलेज करने का रिजल्ट ये हुआ था मेरे पास, आज भी मुझे याद है। फॉर्च्यून कंपनी का एक रिफाइंड होता है, 1 लीटर में पैकेट आता है, उस पर उस टाइम पे एमआरपी कुछ 120 या 125 के करीब आता था। तो मैंने जो एमआरपी आता है उसी एमआरपी पे कस्टमर को दे दिया, यानी कि 120 125 था, तो मैंने उसको 120 रुपये में दे दिया वो रिफाइंड। और जबकि उस टाइम पे उसका मार्केट रेट 90 रुपीज़ था, 90 रुपये। तो कस्टमर ने मुझे फट से कहा, इतना महंगा हम नहीं लेते तेरी दुकान से, तुम तो बहुत महंगे हो। अब मुझे भी फील हुआ कि यार इसने मुझसे क्यों नहीं लिया भाई, इसने स्टार्टिंग में मैंने दुकान की और इसने मेरे को ये बोल दिया। तो मैंने धीरे धीरे पता लगाया कि भैया इसका मार्केट में रेट 90 रुपये है। मैंने फिर वो लिस्ट निकाली, मुझे पता चला कि ये तो मेरे को 80 रुपये का पड़ा हुआ है, तो मैं 10 रुपये कमा सकता था। कमी कहाँ रही, मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि दुकान में कस्टमर को कैसे अटेंड करना है, कहाँ कहाँ मतलब मार्जिन लेना है, किस तरीके से मार्जिन लेना है, कौन सा माल कितने रुपए का पड़ता है। सबसे मेन नॉलेज की तो चीज़ यही है, आप माल तो एक बार में भर दोगे आपको पता भी है वो माल आपको कितने रुपए में पड़ा है, ये एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा। आज मेरी मूर्ज बनी, मैं बगैर देखे बगैर कुछ लिस्ट तो खैर अब तो गया, मैं हर आइटम का रेट ये बता देता हूँ मेरे इतने रुपये में पड़ा और ये इतने का मुझे सेल करना है। और उस टाइम से लेके आज तो मेरे 20 गुना ज़्यादा आइटम हो चुके हैं मेरे पे दुकान पे। तो खैर छोड़ो इन बातों को, मैं मेरा मेन यही है कि भैया नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए दुकान के बारे में कि कौन सा सामान मुझे कितने में पड़ा है, कितने में बेचना है, कैसे कस्टमर को अटेंड करना है, थोड़ा सा सीख लेना कहीं से भी। और अगर जैसा मैंने बताया है तो लिस्ट ज़रूर रखना अपने पास, स्टार्टिंग में मार्जिन नहीं लेना आपको, ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में मार्जिन आपको कस्टमर से नहीं लेना है, 1-2 रुपये पे ही चलना है, जैसे मैंने बेवकूफ़ी की थी वो मत करना। हालांकि बाद में मेरी मार्केट बन गई, मैंने अपनी कमी को पहचाना कि भाई मैं क्या कमी कर रहा हूँ, बाद में आज आपके सामने हूँ। अच्छा दूसरा है दुकान की जो डेकोरेशन होती है, फिटिंग है, काउंटर है, वो किस तरीके का होना चाहिए, आपका तराजू है, कुर्सी है, कैसे होनी चाहिए। समझ गए, दुकान तो कर ली, दुकान में सामान रखने के लिए जो डेकोरेशन है, वो फर्नीचर है, वो किस तरीके से होना चाहिए, मैं बताऊं आप लोगों को। दुकान का जो डेकोरेशन होगी वो 3 फुट 3 फुट हो जाता है, इतना 3 फुट की हाइट से ऊपर ऊपर आपको फर्नीचर लगवाना है, 3 फुट से नीचे आपको खाली छुटवाना है। समझ गए, 3 फुट की हाइट से ऊपर आपका फर्नीचर, जिसमें 1x1 या 1x1.5 के कमरे, वो सॉरी 1x1.5 के रैक बनवाने हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो, लेकिन 3 फुट जमीन से 3 फुट ऊपर से बनवाना है, क्योंकि 3 फुट के जगह में आपको दाल, चीनी, चावल, इस तरह की बोरियां उसमें डाल सकते हो, नीचे उसके वो जगह आपकी कवर हो जाएगी, बच जाएगी। दाल की बोरियों को तो आप उसमें रख नहीं सकते बॉक्स में, तो वो नीचे ही आएंगे। तो 3 फुट जमीन से 3 फुट ऊपर करके आपको अपने वो फर्नीचर का काम करवाना है जिसमें सामान रखे जाएंगे। और एक चीज़ और करनी है, दुकान पे ऊपर से जैसे आपकी हाइट है 11 फुट है 12 फुट है जिसकी जितनी है, उससे कम 2 फुट नीचे रखनी है, बिल्कुल दीवार पे ऊपर छत तक नहीं मिलाना है, ऊपर छत तक भी मत मिला देना उसको कि भैया वो ऊपर छत पे गया और बंदा कैसे उतारेगा, पहली बात तो रखेगा कैसे, अब रख दिया तो वो उतारेगा कैसे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जैसे मुझे नॉलेज नहीं थी, हालांकि मैंने 3 फुट नीचे से किया लेकिन मैंने ऊपर तक मिला दिया, अब ऊपर के तो खाने का ऊपर जो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहली बात तो रखने में दिक्कत, फिर उतारने में दिक्कत। और अगर आप ऊपर से 2 फुट कम करोगे ना, उसमें स्पेस नहीं रहेगा, आपकी दुकान भरी भरी लगेगी। और अगर ऊपर वाले जो खाने होंगे वो अगर आपको खाली दिखे, मतलब उसमें कुछ सामान नहीं रखोगे और आपने बनवा दिए, तो ऐसा लगेगा दुकान खाली खाली है। समझ गए, तो ऊपर से 2 फुट छोड़ देना, 2 फुट में कुछ भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर में आपकी घड़ी वगैरह लग जाएगी। ये था दूसरा। और एक चीज़ बताऊँ, डेकोरेशन इस तरीके की करवाना है आपको कि भैया मैंने बहुत दुकानें देखी हैं, जैसे आपकी 2 शटर की दुकान है, 2 साइड ओपन दुकान है, समझ गए, तो दोनों साइड में ऐसे ऐसे करके काउंटर लगवा दिया उन लोगों ने, दोनों साइड में काउंटर बिल्कुल शटर के सामने, तो कस्टमर अंदर नहीं आ पाएगा, वो बाहर से ही सामान लेगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। बहुत दुकानें हैं जो कॉलोनियों में है, ऐसा ही कर रखा है।
कस्टमर को सीधा अपनी दुकान के अंदर घुसने का मौका दो, चाहे कितना भी स्पेस दो, लेकिन हर कस्टमर डायरेक्ट आपकी दुकान के अंदर आना चाहिए, ना कि बाहर से सामान ले। उससे आपको फायदा होगा, वो सारी दुकान के सामान को देखेगा कि आपकी दुकान पे क्या क्या सामान है, सारा सामान देखेगा वो। तो कस्टमर बिल्कुल अंदर जाएगा, वो लेने बिस्किट आया है, लेकिन उसको वहीं पे नमकीन भी दिखेगी, टोस्ट भी दिखेंगे, ब्रेड भी दिखेंगे, तो उनमें से कुछ ना कुछ एक दो आइटम वो और ले लेगा। और अगर वो बाहर खड़ा रहा, उसको वहाँ से कुछ नहीं दिखाई देगा, उसने जो चीज़ लेनी वही लेगा। और अगर वो कस्टमर अंदर आ गया, वो अंदर देखेगा कि इसके पास क्या क्या है, उसको कुछ और भी चीज़ें पसंद आएगी। और ये मेरे 99% ऐसा होता है मेरे साथ, जो कोई मेरे पास जो दुकान पे कस्टमर आता है, वो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आता है, लेकिन उसको एक दो आइटम और दिखती है तो वो कहता है भैया ये भी दे दो, मुझे ये अच्छा लगा, ये रखना है आपको। इस तरह की मतलब आपको अपनी दुकान की डेकोरेशन करानी है। दो पॉइंट हो गए, नॉलेज होनी चाहिए डेकोरेशन किस तरीके की होनी चाहिए। अब तीसरा मैं बता दूँ कि भैया दुकान तो ठीक है, होगी फर्नीचर हो गया, अब उसमें सामान रखना है। सामान रखने पे आ गए, सामान आपके पास A to Z सारा होना चाहिए। मेरी दूसरी वीडियो है, आप उनको देख लीजिए, मैंने बहुत लिस्टें दे रखी हैं, उन लिस्ट के ज़रिए आप सामान ले सकते हैं। मैं मानता हूँ उसमें पूरा सामान नहीं है, पूरा सामान देंगे आपके कस्टमर, आपको बताएंगे कि मुझे वो चाहिए, वो आपके पास नहीं होगा, पेन उठाया, नोट कर लिया, नेक्स्ट डे वो आपने मंगा लिया। तो कहने का मतलब है पूरा सामान आपकी दुकान पे होना चाहिए, पूरा सामान नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर सोचेगा इसके पास तो पूरा सामान है नहीं, दूसरी दुकान से लूँगा मैं। तो नंबर तीन तो यही है कि भैया आपके पास पूरा सामान चाहिए, पूरा सामान रखना भी होगा आपको। और नंबर चार और लास्ट बता देता हूँ आप लोगों को, सामान लेना कहाँ से है। बहुत बंदे पूछते हैं कि भैया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ले, होलसेलर से ले कहाँ से। भाई मेरे, अगर फर्स्ट टाइम पे आप दुकान कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले लो। पहली बार अगर सामान लेना कहीं से भी ले लो। मुझे पता है, मेरे को 2,500-2,500 रुपये का, 3,000 रुपये तक का महंगा सामान मिला था, जब मैंने कुल 20,000 रुपये के सामान में, 20,000 से दुकान स्टार्ट की थी, 20,000 के सामान में मुझे 3,000 रुपये का महंगा मिला था। कोई बात नहीं, आज मेरा रोज़ का 20,000 का माल भी तो आ रहा है, उससे नॉलेज भी तो हो गई मुझे। मैं आज तक उसकी दुकान पे नहीं गया जिसने मुझे 20,000 रुपये का महंगा दिया था। तो फर्स्ट टाइम आप कहीं से भी ले लो, होलसेलर से ले लो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको नॉलेज होती जाएगी ना, डिस्ट्रीब्यूटर का आपको पता चलता जाएगा कि मेरी सिटी में किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपको आराम आराम से अपने आप नॉलेज हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा ये सामान मुझे यहाँ से सस्ता मिलता है, कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से भी सस्ते मिल जाते हैं, वो आपको दुकान करने के बाद अपने आप नॉलेज हो जाएगी। कस्टमर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मेन से मेरे यही पॉइंट थे कि भैया दुकान खोलनी कहाँ पे है और कैसे खोलनी है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ भी गया होगा। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे भाई हैं जिसने मैसेज किए थे, बहुत बंदों ने किए थे, उनके लिए मेरी ये वीडियो इतनी ही थी। इससे ज़्यादा तो खुद भी समझदार होता है बंदा, तो समझ जाएगा कि भैया मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोबारा से नए साल की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।